नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिशन पूर्वोत्तर पर आज चलेंगे, आपको दिखाएंगे निर्मली से तमुरिया के बीच किस तरह से काम ने रफ्तार पकड़ी है और चिकना से नेमुआ के दो पुलों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो चलिए हमारे सहयोगी चैनल झंझारपुर रॉक्स के मुकुंद ठाकुर के साथ, जिन्होंने साइकिल से यात्रा की और वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से काम हो रहा है। देखिए, ये चिकना स्टेशन पर काम की तस्वीर है जहां पर ढलाई का काम चल रहा है, धुआंधार काम हो रहा है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म का काम तेज गति से हो रहा है और तमुरिया और सकरी के निर्मली के बीच में जबरदस्त काम हो रहा है। और आपको बता दें कि अब मालगाड़ी परसा हॉल्ट तक पहुंच गई है और जल्दी हो सकता है चंद दिनों के अंदर ये घोघाडीहा तक भी पहुंच जाए, क्योंकि इधर लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेन दिक्कत है वो तमुरिया के पास नेमुआ के पास पुल की दिक्कत है। तो फिलहाल चिकना स्टेशन पर देखिए ये तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल के लिए जो है पिलर्स ढाले जा रहे हैं और यहाँ पर पाइलिंग का काम हो रहा है। तो इस तरीके से धुआंधार काम हो रहा है यहाँ पर चिकना में, और आपको कई जगह पर ढलाई का काम हो गया है और कई जगह पर चल रहा है। तो ये यहाँ पर चिकना हॉल्ट है, ये तमुरिया और घोघाडीहा के बीच में है, ये हॉल्ट है ये। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ढलाई का काम चल रहा है, धुआंधार काम हो रहा है और कहीं कहीं पर हो गया है और कहीं कहीं पर चल रहा है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से काम में रफ्तार पकड़ी है और किस तरह से जो है काम आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ आपको आगे लिए चलते हैं चिकना हॉल्ट पर ही। देखिए एक तरह से मसाला डाला जा रहा है और यहाँ पर मिक्सर मशीन भी मौजूद है और इस तरीके से जो है ये बताने के लिए ये काफ़ी है कि यहाँ पर जल्द ही प्लेटफॉर्म की ढलाई का काम कर लिया जाएगा। और कहीं कहीं पर देखिए बालू भी रखा है, गिट्टी है, आगे गाड़ी भी है, तो लगातार मिट्टी का और बाकी का काम भी हो रहा है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है क्योंकि ट्रेन बहुत नज़दीक आ चुकी है। और इसके पास अब नेमुआ के पास चलते हैं, नेमुआ के पास जो पहला ब्रिज है वहाँ देखिए यहाँ पर सेगमेंट चढ़ा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अब पिलर से ऊपर का काम हो गया है और साथ के साथ रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है जो अप्रोच को मजबूत करता है। और अप्रोच इसी की वजह से निर्मली में दिक्कत आई थी और ये यहाँ पर इसका सबक लिया गया है कि यहाँ पर जो है रिटेनिंग वॉल ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पर पानी की रफ्तार ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सेगमेंट चढ़ गया है और पिलर भी कम्प्लीट है, सेगमेंट चढ़ा दिया गया है, अप्रोच का काम चल रहा है, अप्रोच में ढलाई का काम हो रहा है। उसके बाद मिट्टी को भर करके यहाँ पर मिट्टी को भरा जाएगा और उसके बाद फिर इसको लेवल करके यहाँ पर पटरी और स्लीपर बिछाया जाएगा जिससे कनेक्ट किया जा सके। ये पहला ब्रिज है जो पहले काफ़ी दिनों तक पिलर तक काम हो चुका था, इसके ऊपर का काम नहीं हुआ था, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर इस नेमुआ ब्रिज का जो ये ब्रिज है पहला वाला वो तैयार हो गया। और इसके बराबर में ही एक और ब्रिज है, उसकी भी तस्वीर, उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये तस्वीर हम झंझारपुर रॉक्स के सौजन्य से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने साइकिल से यहाँ पर यात्रा की और उन्होंने ये वीडियो हमसे शेयर किया। और इस तरीके से यहाँ पर ये काम, पहला ब्रिज का काम लगभग 80-90% लग रहा है पूरा हो गया है, सिर्फ अप्रोच में ढलाई का काम बचा हुआ है। और ये करीबन 4 पिलर हैं अप्रोच लगा करके, तो इस तरीके से 4 पिलर पर ये ब्रिज टिका हुआ है। छोटा ही ब्रिज है लेकिन काफ़ी समय लग गया इस ब्रिज को बनाने में, और ये ब्रिज जो है इसकी वजह से ही जो है इधर से मालगाड़ी आगे तमुरिया से आगे नहीं जा सकी। और अब जो है उम्मीद यही है कि इसी महीने इस ब्रिज को भी खोल दिया जाएगा और यहाँ मार्च तक हो सकता है कि पूरी लाइन चालू हो जाए, तो ये संभावना लग रहा है काम को देखते हुए। तो ये पहले ब्रिज का काम आपने देखा नेमुआ के पास, अब आपको दूसरे ब्रिज में जहाँ पर हमेशा पानी रहता था वहाँ पर स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही, तो वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर पहले ब्रिज पर कि काम जो है वो कम्प्लीट है लगभग, अब अप्रोच का काम बचा हुआ है जिसे पूरा किया जा रहा है। और इसके बाद अब चलते हैं दूसरे ब्रिज पर, ये देखिए दूसरे ब्रिज में ठीक उसके बगल में ही ब्रिज है, करीबन 400-500 मीटर पर ये ब्रिज है, ये बुदराही का ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है इसका भी पिलर जो है वो कंप्लीट हो गया है, देखिए ये 4 पिलर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसका ढलाई का काम हो गया है, बेस का काम, ढलाई का काम हो गया, तो पिलर तक काम हो गया। अब इसके कैपिंग की जाएगी और इस पर भी सेगमेंट डाला जाएगा, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। और यहाँ भी काम धुआंधार हाथ लगा हुआ है, यहाँ भी क्रेन मौजूद है और यहाँ पर एक नहीं दो क्रेन्स को लगाया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है अप्रोच के साथ साथ इसका सेगमेंट का काम अब किया जाएगा। फिलहाल तो ये है कि यहाँ पर इसके अप्रोच जैसे रिटेनिंग वॉल जैसे उस ब्रिज में बनाया गया है, वैसे यहाँ भी जो है बनाया जाएगा, इसके लिए जो है गड्ढे का काम, खुदाई का काम किया जा रहा है, मिट्टी को हटाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है रिटेनिंग वॉल बनाया जाए, क्योंकि ये एरिया वो है दोस्तों यहाँ पर कटान ज़्यादा होती है और ख़तरा ज़्यादा होता है ब्रिज पर, खास करके बाढ़ और बरसात के दिनों में
इस इन पुलों के अप्रोच पर जो है वो खतरा रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ रिटेनिंग वॉल की ऐसे पुलों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जो है वो मिट्टी धंस सकती है या कोई दिक्कत आ सकती है पुल में। और रफ्तार जब इस पर चलेगी 100 से ऊपर की जब रफ्तार मालगाड़ी चलेगी या सुपरफास्ट ट्रेन या राजधानी एक्सप्रेस चलेगी तब स्थिति क्या होगी, इसलिए उसी हिसाब से ब्रिज को बनाना होगा और उसी हिसाब से इधर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और झंझारपुर रॉक्स के मुकुंद ठाकुर के इस चैनल को, झंझारपुर रॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लगातार साइकिल से यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहे हैं। इस वीडियो को देखा आपने, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।